अहम खबर से आगाह करेंगे। अदलिया मुखालिफ बयानबाजी और तौहीन अदालत के केस में साबिक वफाकी वजीर दाखिला अहसन इकबाल ने अदालत से गैर मशरूत मुआफी मांग ली है। अदालत ने वकील की जानिब से केस निपटाने की सदा मुस्तरद करते हुए कहा है, अदालत अहसन इकबाल के रवैये का जायजा लेगी। यहाँ आप मुआफी मांगते हैं, बाहर निकल कर आप इस लीडर के जाले बन जाते हैं जो अदलिया के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। मजीद जानते हैं माहिर कानून असर सदीक से। जी सर बताइएगा। अदालत के सामने उन्होंने माफीनामा अनकंडीशनल और अदालत के मर्सी पे छोड़ दिया। अदालत को बहस करते हुए बताया कि असर इकबाल साहब की इंटेंशन ये नहीं है। अभी उन्होंने रीट्वीट ऐसे किए हैं जो इदारों के खिलाफ अदलिया के खिलाफ बात करते हैं, उन्हीं के बयानियों को लेकर चल रहे हैं। और बाकायदा अगर देखा जाए पहली तारीख से ही आगे उन्होंने कहा था सीडी ना चलाई जाए, और जब सीडी चलाई गई तो सीपैक के हवाले से सारे मामला आपके साथ कोई मौका नहीं था। अदालत ने भी ये कहा है कि ये इदारे हैं, अदालतें आपकी हैं, कल खुदा ना खास्ता अगर आप अपोजिशन में हो तो अदालतों से इंसाफ लेना है। पीपल्स पार्टी के दौर में भी देखा, मैंने अदालत को बताया कि आसफ अली जरदारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी और उन्होंने अपना सियासी ओहदा छोड़ दिया था। ये मैंने दरख्वास्त दायर की थी। यूसुफ रजा गिलानी डिस्क्वालिफिकेशन, खुर्शीद शाह कंटेम्प्ट में अदालत में आए हैं और अदालत इंसाफ देती है, उसको किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको आईन और कानून के मुताबिक अमल कर रहा है। आईन का आर्टिकल 68 अदलिया के जजेस के बारे में कंडक्ट के बारे में पार्लियामेंट में भी इजाजत नहीं देता है। अच्छा। अदालत ने कहा कि इस काम को हम पेंडिंग रखते थे, इस पर उन्होंने कहा नहीं जी डिस्पोज कर दिया जाए। बाकायदा उनके वोकरा ने कहा यकीन दहानी कराएंगे, हमने कहा जी उन पर नहीं है, लेकिन इनका अपना अमल जो है वो साबित करना चाहिए कि वो वाकई अदालतों की ताजीम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अदालत ने अब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।